अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो। जिलानी गोट फार्म पे हम लोग, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सम ऑफ द बिगेस्ट गोट्स ऑफ मुंबई फिलवक। अगर मैं बात करूँ तो आपको बड़े से बड़े गुजरी, अजमेरा और काफ़ी नायाब बकरे दिखाने वाले हैं। तो दो बकरों से स्टार्ट करें। सबसे पहले ये आप दोनों बकरे चेक करें, फैज भाई से इनकी डिटेल ले लेंगे एक बार, और आपको एक एक करके सारे बकरे दिखाएंगे हम लोग। फैज भाई अस्सलामुअलैकुम। सलाम असीम भाई, बहुत नायाब जोड़ी है भाई, मज़ा आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या डिटेल पे बच्चा भाई? ये 6 और 8 दांत फ्रेश कर रहे हैं, 120 से 125 किलो के बीच में। मतलब अभी तक इसने 8 दांत भी नहीं, 8 दांत पूरे नहीं किए, अभी तक 8 दांत पूरे नहीं किए, 8 दांत पूरे नहीं किया हुआ है। और 120 किलो, 120 से 125 किलो के बीच में आएगा इंशाल्लाह। सही है। और ये वाला बच्चा? ये भजन, ये करीबन 100 से 110 के बीच में। और ये भी देखिए ना भाई, ये कितना है, ये देखिए 4 दांत फ्रेश कर रहा है, सिर्फ 4 दांत, 4 दांत फ्रेश कर रहा है ये, सिर्फ ओनियन ओनली फोर टीथ। और बता दो, हटाओ बेटा इसको बीच में से, ला बेटा वो भी ला, ला ला, ये देख, ये देखिए, ये देखिए, ये दो चीज़ देखिए, आप लग रहा है बकरा ही ला रही, आप लग रहा है बकरा ही, ये देखिए चीज़ देखिए, हाइट देखिए इसकी, ये सब बढ़ने वाली चीज़ भाई, 42+ हाइट, ये हाइट देखो आप लोग, इसकी हाइट कितनी हो? इसकी हाइट है भाई करीबन 43। इसके दांत एक बार चेक कर लो, 43+ देखिए आसिम भाई, देखिए कितने हुए? ये 6 दांत फ्रेश कर रहा है, 4 दांत पे बकरा है, ये देखो 6 4 है और 6 पे छठे पे जाएगा, है ना? ये देखिए, ये देखिए भाई, इसकी हाइट एक बार देखो, 4 दांत पे, लेंथ सिर्फ 4 दांत। अच्छे बकरे हैं ये, सब पलटी मारने वाली चीज़ है भाई, ये सब पलटी मारने वाली चीज़ है माशाल्लाह। ये कोई पलटी करेगा ना भाई, तो ये नेक्स्ट ईयर इन लोग का वर्ड नहीं है भाई, ये चीज़ क्या बनी। और ये मैं बता दूँ, क्लियर कर दूँ, बकरे यहाँ नहीं पले हुए, ये जुजाराम जी का, जुजाराम जाट का, जुजाराम जाट के बकरे हैं, जो बकरियों से छोटे बच्चे लेकर उनको बड़ा करते हैं। 4-4 दांत पे ऐसे बकरे बनना, ये अपने अंदर ही बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और मैं वापस से लास्ट टाइम भी एक बात बोला था, आज बोल देता हूँ, या वहाँ खरीदने जाओगे ना तो बकरे तो लोग देंगे नहीं पहली बार, राइट? वो तो देंगे भी, क्योंकि वो साल में एक या दो बार ही बेचते हैं, एक या दो बार सीजन में ही बेचते हैं, सिंगल सिंगल का तो शायद लास्ट बहुत ऊपर ऊपर है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि भाई ने एक साथ लिए हैं तो जाहिर सी बात है, चीज़ें साथ में लेते हैं तो चीज़ें आराम से मिल जाती हैं जी भाई, तो वो हिसाब से आपको भी आराम से मिलेगा। प्लीज़ फ़ोन कीजिए आप हमारे फैज भाई को। और बकरे देखो, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, चीज़ देखो आप, चीज़ देखो, ये थोड़ा गुस्से वाला भी है, आप देखो, देखो अभी ये अपने रुबाब में भाई, अपने एटीट्यूड में रहता है भाई, वाह, ये देखिए इसका पोस्चर, बॉडी पोस्चर देखिए, आपके बकरे को एक्चुअली कम हाईलाइट किए हमने, मैं ही बात कर रहा था, आपको बताइए भाई। ये देखिए ये बकरा भी, ये बकरा कर रहा है अपना 4 दांत, ये 4 दांत कर रहा है अभी, 42+ हाइट है, 42+ हाइट, और वेट इसका 98 से 100 पकड़िए ना आप, 95 to 100 के बीच में आएंगे इंशाल्लाह। और ये बकरे का वॉक देखिए भाई, ठीक है, ये देखिए लेंथ देखिए, बॉडी बॉडी लाइन देखिए, हाइट देखिए, अपलक पैटर्न में भाई, अपलक पैटर्न और हाइट देखिए भाई, ये करीबन 42+ होएगा, अभी 4 दांत कर रहा है, 4 दांत, ये पलटी किसी ने मारा ना भाई, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट ईयर, मतलब बोलते ना भाई खुश हो जाएंगे अल्लाह। ये एक और नायाब चीज़ आसिम भाई, क्या ये 6 दांत पे अभी 8 कर रहा है, घोड़े जैसा बकरा है, इसको छोड़ के दिखाऊंगा आप, इसका ये देखिए कान, वाइट स्पॉट और ये वाला स्पॉट देखिए, फेस 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 पे जो स्पॉट आया ये प्योर अजमेरों में आएगा। मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा वेट गेन अगर कोई नस्लें करती हैं तो वो है पंजाबी और अजमेरा, मैं गुजरी भी नहीं मानता एक्चुअल में, मैं क्योंकि सब जगह देखता हूँ, वो भी होते हैं, नहीं नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन सबसे बेस्ट दो नस्ल है ये पंजाबी वेट गेनिंग में। अब इसकी हाइट देखो आप, 42 होगी मेरे को लगता है, बनावट देखिए भाई इसकी, बनावट देखिए, ये पूरी कमान देखो आप, ठीक है। अब मैं उसको घोड़ा क्यों बोल रहा था, आप थोड़ा देखो, थोड़ा दूर जाओ आप, मैं चलाता हूँ इसको, चल बेटी,
इसका ये पैटर्न तो मैं देखा ही नहीं पीछे था मैं। ये गुजरी कासिम भाई ऐसा है ना कि ये गुजरी और अजमेरा क्रॉस में अजमेरा। इसका कलर पैटर्न देखिए भाई आप, इसके मोजे देखिए, क्लास कलर पैटर्न है भाई इसकी। चलो लाओ भाई लाओ, ये देखिए एक दूसरा पलटी का बच्चा। छोड़ो पलटी करो, कुर्बानी करो। मैंने गुजरियों की बुराई नहीं किया था, मैंने बस ये बोला था अजमेरा थोड़ा ज़्यादा बनते हैं। गुजरी हाथ में है मेरे, देखो आप गुजरी हाइट देख लो, 42 तो हाइट मेरे हिसाब से है ही है। और वजन क्या होगा फैज भाई? ये भाई सब हंड्रेड्स की रेंज में, 90 by 200। जाहिर सी बात है कि तो नक पे ही बेचोगे? नक पे वजन पे नहीं, वजन पे नहीं है, नक पे देंगे। और ऐसा नहीं है कि आसिम भाई अपन कुछ बहुत हाथी घोड़ा मांग रहे, इंशाल्लाह ईद करीब है, फटाफट दे के सब फिनिश करेंगे, लोगों की कुर्बानी बस हुए और फायदे में जा रहे हैं। ये देखिए ये है भाई बुलडोजर हमारा, ये नटिया है थोड़ा, नटिया एंड बुलडोजर। हाइट इसका चेस्ट कमान प्रॉपर। वीडियो बनाने में तो मेहनत है, बकरे दिखाने में ज्यादा मेहनत, दिखाने में ज्यादा मेहनत है वो अभी समझ में आ रहा है ना, तुम लोग की मेहनत बहुत रहती है भाई, सब हाथियों की हमारी मेहनत है आसिम भाई। निकालना, डालना, खिलाना पिलाना हर चीज डे एंड नाइट, सीजन में तो आपको मालूम है चालू ही है। देख लो आप बकरा, देखो ये, देखो ये पूरा स्ट्रक्चर इसका, चेस्ट आसिम भाई, चेस्ट इसका ना भाई, आगे की जो बनावट है ना, एंड पैर भी बहुत मोटे हैं इसके, बहुत मोटे पैर हैं, मोटे पैर हैं। दांत 6 और 8 कर रहा है, 6 और 8 कर रहा है। हाँ चलो ये देखिए, ये कौन ये बच्चा देखिए, चलो फुल नर मॉडल जो गुजरी ढूंढते ना भाई, नर मॉडल एकदम सिंपली। देखिए फ्रेम देखिए इसका, पोस्चर बॉडी पोस्चर देखिए, आठ दांत पे। और असल में ये सब बकरे ऐसे कि 8 दांत के बाद तो खुलना चालू होते, सही बनना चालू होते भाई। इनकी बॉडी लाइन ऐसी है ना भाई कि इनके ऊपर प्रॉपर एक ध्यान देंगे ना तो ये भाई 140 कहाँ चलेंगे मालूम नहीं पड़ेगा। ये एक और नटिया। एक्चुअली मैं नटिया बोल रहा हूँ पर ये वजन के हिसाब से छोटे दिखे, वजन बॉडी दबा लेते, बॉडी दबा लेते भाई। चलो ये भी 90 by 200 में उससे वाला बकरा है, 90 by 200 अबाव भी हो सकता है पर 90 by 100 उसकी हाइट। मैं बोला नटिया पर नटिया नहीं भाई, ये 39 की हाइट है, 39-40 है, 40 भी हो गई, 40 ये क्या ना, ये मोटे हो गए ना तो थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है। हाँ बाकी बकरा हाइट लिया है 40 की हाइट पे भाई, माशाल्लाह। ऐसे में मेरे पास ऐसे ऐसे पालने की चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह के 2-2 दांत पे अभी 85 kg पे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जिलानी के बारे में बता दूं आपको कि एक से एक बकरे तैयार हुए हैं और यहाँ से जा भी रहे हैं अभी कुर्बानी के लिए, कुर्बानी। तो आप लोग इसमें से कोई भी बकरा पसंद आए, आपका कोई बकरा है एक बार यहाँ पर आप आइए और अपनी पलाई पे बकरे रख सकते हैं। बकरे को थोड़ा सही से पकड़ना पड़ेगा, ये राशि में बहुत खेली है भाई, रुक नहीं रहा, ये रुकेगा नहीं है, खेलने में बिजी हुई है। देखिए हाइट इसकी 41 होगी, 41 इसकी हाइट होगी, 41 115 से 120 किलो पे आएगा जी, 115 से 120 किलो पे आएगा इंशाल्लाह, 40-41 की हाइट। ऐसे में ऐसे बहुत बकरे हैं इंशाल्लाह, अंदर अंदर पूरा बाड़ा भरा हुआ है, मैं थोड़ा अभी वीडियो बताता हूँ आपको, देखो पूरा बाड़ा भरा हुआ है अंदर है ना। ये सासी अल्हम्दुलिल्लाह सब 95, 100, 120, 105 ये पूरी रेंज मिल जाएगी आपको। सही, तो जल्द से आइए और अपने बकरे बुक कर लें यहाँ से जी, पलाई के लिए भी आके बात कर सकते हैं आप। कुछ बकरे तो इतने नायाब है कि आपको दिल होगा कि पाली ले लें नेक्स्ट ईयर के, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार 2 दांत में आसिम भाई अगर किसी को पलटी के लिए चाहिए ना, 2-4 दांत में अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास नायाब चीज़ें हैं, आइए आप पर्सनली आएंगे आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, अंडुल का बहुत बड़ा कलेक्शन भी है जो हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, ये सारे अंडुल अवेलेबल है। आपका नंबर बोल दो भाई एक बार, 9930386456। ये हमारे भाई का नंबर है, मैं दोनों नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर लें। और ये जो फार्म सिचुएटेड है ये है भिवंडी पड़गा राहुर विलेज मदरसे के बाजू में और मस्जिद के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, भाई बहुत मज़ा आया आपके साथ, जज़ाकअल्लाह। इतने अच्छे अच्छे बकरे दिखाए आपने, ये बकरे से कभी कभी डर लगता होगा ना आसिम भाई, ये ऐसा है कि इनके मुड़ के ऊपर है। मेरे को तो मैंने इसके एक दो बार करीब गया, मेरे को वो डाइसी लगा है बकरा ये भाई। देखिए ना अभी कैसा है कि सुबह से आसिम भाई लोग आते हैं, सीजन है आपको पता है, तो मॉर्निंग से नाइट तक ऐसा है कि ये भी थक जाते बेचारे, तो भाई ये बकरा दिखाइए तो उसमें कहता ये भी बेचारे कंफ्यूज हो जाते भाई मेरी चाल में किसको दिखाऊं। सही ये बहुत अच्छा डायलॉग बोला आपने,
मेरी चाल में किसको दिखा? ये देखिए, ये देखिए, ये तो चाल सबको दिखाता है। इसका चालू ही रहती है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अस्सलाम वालेकुम।